Hello everyone, welcome to the practice class 2 of ASO, OPS ASO. Today we discuss the top questions of probability. Probability is ASO math is the important topic. We will know last time exam 17-18 questions. 17-18 questions are the probability. This is the most important topic of mathematics. Aptitude is the most important topic. OPS ASO exam. So, we will do most important questions of probability. A probability is mostly driven by permutation combination. Permutation combination रो बहुत extensive use हुए probability topic रे. ठीक है जी. आमे जो question साझी करिया ताहरे permutation combination रो use हबो. जल्दी आपनों को permutation combination रो concepts clear अच्छी ताहले आपनों को जिनसा बहुत easily बुझा बुझा पड़ी हो. नहले नहीं मुँ बुझे ची बहुत properly. मुँ बहुत properly बुझे ची तो आपनों को concept बुझा ही पड़ी हो. मतलब बहुत भला level question सामे करिया conceptually आपनों बहुत माने clear ही जीवे permutation combination रे भी मतलब आउ कार्ड उपरे भी गोटे क्वेश्चन मुँ नहीं कार्ड उपरे कार्ड जमी कार्ड चार्टा सुट अच्छी डायमंड क्लब डायमंड हार्ट क्लब स्पेड है किंग क्वीन जो तेरह थर्टीन थर्टीन कार्ड्स ऑफ इच सुट ताकि तीन टा कार्ड हूँ किंग क्वीन जैक आउ दस टा रहा नंबर्ड कार्ड है टोटल 52 कार्ड भितर 40 टा हूँ मानने नॉन फेस कार्ड फेस कार्ड 12 टा तो सब जिन डिस्कस कर आज क्लास चेक कर तो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कार्ड्स और डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे आउ बाकी क्वेश्चन 30 मिनट्स हमें क्लास रखिए 30 टू 30 35 मिनट्स ता भीतर जते क्वेश्चन हे परला ठीक अछि जते मैक्सिमम क्वेश्चन हे परला हम अपन बुझियो चेष्टा करियो ता भीतर कने 35 मिनट्स ऊपर कोन ना का क्लास हले अपन को कंसंट्रेशन रहिबोनी आ ए क्लास सब दिन चलिबो टिल एग्जाम सब दिन क्लास हो सेति पई क्वेश्चन पई अपन को वरी होवार नै बहुत क्वेश्चन अपन को एग्जाम भीतर प्रैक्टिस कर दितिबे बहुत क्वालिटी क्वेश्चन हला आ मो पई अपन दुटा खाता करिवे हला एटा रिक्वेस्ट अपन को दुटा कॉपी करिवे गोटे होची कांसेप्ट क्लासेस पई कांसेप्ट जेंति अपन को अरिथमेटिक पढाई छै छी अरिथमेटिक सब टॉपिक पढ़े दीजिए तापर स्टैटिस्टिक्स पढ़े दीजिए मेंस्ट्रुएशन रा स्क्वायर रा वीडियो पकाई थला बाकी मेंस्ट्रुएशन रा टॉपिक आज जो वीडियो तापर अलजेब्रा आउ प्रोबेबिलिटी सब वीडियो पढ़े आसीओ तो कांसेप्ट क्लासेस पई आपन गोटे कॉपी करिवे स्पेसिफिकली मो क्लासेस पई थला तापर आउ गोटे कॉपी करिवे प्रैक्टिस क्लासेस पई जो ए जो प्रैक्टिस क्लास चलजी एमती एएस रा प्रैक्टिस सब दिन हो सब दिन एएस रा प्रैक्टिस क्लास चलिवो आउ गोटे होची ओएसएस सीजीएल रा से प्रैक्टिस क्लास रे हमें मोस्टली सॉल्व करिवा अरिथमेटिक अरिथमेटिक्स कने तांकर ओएसएससी सीजीएल रे मोस्टली आपनकर सिलेबस होची मैथ रा अरिथमेटिक 90% होची अरिथमेटिक हला तो ता से हम अरिथमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करिबा आ एएस प्रैक्टिस क्लास रे मोस्टली हम सॉल्व करिबा प्रोबेबिलिटी मेंसुरेशन नंबर सिस्टम अलजेब्रा एगोडा हला अरिथमेटिक भी रहइबो हला बट मेजरली ए सब टॉपिक रहइबो ठीक अछि तो अरिथमेटिक आपनकर प्रैक्टिस हे जइबो ओएसएससी सीजीएल प्रैक्टिस क्लास सेटा डेफिनेटली देखिबे कना आपनकर एएस रे भी अरिथमेटिक अछि बट अरिथमेटिक हम से प्रैक्टिस क्लास से कर दवा हेते आपनकु दुटा प्रैक्टिस क्लास चेक करिया अछि सीजीएल रो भी आ यार रो भी सब आपको यूट्यूब रे मो चैनल मिल जियो सब दिन दीटा वीडियो आसीओ हला आ ता सहित आपण कांसेप्ट क्लासेस भी चलिओ ठीक अछि सो बहुत कथा वार्ता हे गेला क्लास स्टार्ट करियो आज होची मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी एज आई सेड 35 मिनट्स यदि हे परियो ठीक अछि लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पॉज द वीडियो ट्राई द क्वेश्चन क्वेश्चन ये ट्राई करंतु हला तापर सॉल्यूशन देखिबे एग्जैक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चन एटी गोटे बहुत इंपोर्टेंट टर्म अछि odds in favor odds against eta probability re bahut important term hala odds in favor tile probability kete hobo odds against tile probability kete hobo basically odds in favor mu eti concept ta bujhe douchi odds in favor mane favorable is to unfavorable uf ta hochi unfavorable favorable outcomes is to unfavorable outcome is to mane hochi ratio hala favorable is to unfavorable ta hochi odds in favor tahale probability kete hi case re probability this is probability likhi mu hala this is probability odds in favor hochi favorable is to unfavorable tale probability kete ei case re probability probability ta hochi kon favorable by total favorable by favorable plus unfavorable eta apan ko clear hala jodi odds in favor diya hai chi odds in favor mane kete favorable is to unfavorable hala odds in favor माने होची favorable is to unfavorable तारे probability अपन direct कहिबे favorable by total total माने favorable plus unfavorable माने first में example ना होची जो agents का कहिची odds in favor of first target hitting first hitting the target is 2:1 तो first case रे odds in favor देजी 2:1 ठीक अछि मु अपन कहली एटा होची favorable is to unfavorable ठीक अछि तले probability केते हो first case रे probability of hitting first target कोन हो probability of hitting first target होची favorable by फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल माने 2/3 कहीं ना ऑड्स इन फेवर होची 2:1 तले प्रोबेबिलिटी कते हो 2/3 एटा को क्लियर होची राइट अभी का ऑड्स अगेंस्ट
এটা লিখিত খাতারে লা অডস এগেইনস্ট অডস এগেইনস্ট মানে অডস এগেইনস্ট লে এটা বেসিক্যালি আনফেভারেবল ইজ টু ফেভারেবল এটা কি হচ্ছে মিনিং রু ও মানে বেসিক্যালি অডস এগেইনস্ট আছে অডস এগেইনস্ট মানে ফার্স্ট রহিব আনফেভারেবল ইজ টু ফেভারেবল তাহলে প্রোবাবিলিটি কোন হবে এই কেসরে প্রোবাবিলিটি হবে ফেভারেবল বাই টোটাল ফাইন ওকে এটা আপনাকে ক্লিয়ার হলে হ্যাঁ যেমতি মই এইটি एग्जांपल দেখুছি কইছি আপনাকে অডস এগেইনস্ট গেটিং দ্য থার্ড টার্গেট ইজ 2:1 যদি অডস এগেইনস্ট গেটিং দ্য থার্ড টার্গেট হচ্ছে 2:1 এটা দিয়া আছে না হলা তার মানে কোন আনফেভারেবল ইজ টু ফেভারেবল দিয়া আছে 2:1 তাহলে প্রোবাবিলিটি কত হবে প্রোবাবিলিটি হবে ফেভারেবল বাই টোটাল যো এইটি আপনাকে কইলি হলা এটা আপনাকে ক্লিয়ার হলা আনফেভারেবল মানে অডস এগেইনস্ট আর অডস ইন ফেভার অডস ইন ফেভার দিয়া হইতে প্রোবাবিলিটি কেন বাহিবে অ বাহির করিবে আর অডস এগেইনস্ট দিলে প্রোবাবিলিটি কেন বাহির করিবে এটা তো ক্লিয়ার হলো অবিকা আমি কোশ্চেন চেক করিয়া ঠিক আছে তাহলে যদি ক্লিয়ার হলো তাহলে মু ফার্স্ট এটা ইরেজ করে দউই সব ওটা হলো এটা আপনা বুঝাইলি আপনা লিখি দেইতিবে অনলাইন ভিডিও টিকে পজ করে লিখি দিওন্তু হলো ডাইরেক্টলি এই কাম ইরেজ করি কি কোশ্চেন স্টার্ট করুছি এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট আপনকর এক্সাম প্রসপেক্টিভ রু অডস ইন ফেভার অডস এগেইনস্ট হলো ওকে ओके क्वेश्चन स्टार्ट करिया हम हां कौन है प्रोबेबिलिटी द ऑड्स इन फेवर ऑफ हिटिंग फर्स्ट टारगेट इज 2:1 ताले प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग फर्स्ट टारगेट को 1 लिखि चला प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग 1 ऑड्स इन फेवर होची 2:1 ऑड्स इन फेवर माने हम जानि छी फेवर इज टू अनफेवरेबल एटा देछि 2:1 ताले प्रोबेबिलिटी केते हबो फेवरेबल बाय टोटल माने प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग फर्स्ट टारगेट इज 2:3 2/3 तापरे सेकंड टर्म चेक करिया प्रोबेबिलिटी तापरे एंड दैट ऑफ सेकंड टारगेट हिटिंग इज 3:1 माने सेकंड टारगेट रो ऑड्स इन फेवर होची केते देजी 3:1 माने 3:1 हला तले प्रोबेबिलिटी केते हो आपण कहितली फेवरेबल बाय टोटल माने 3/4 ठीक अछि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग सेकंड टारगेट होची 3:4 तापरे थर्ड केस को कहिछि एंड ऑड्स अगेंस्ट थर्ड रे चेंज करछि कहिछि ऑड्स अगेंस्ट हिटिंग थर्ड टारगेट एटी कहिछि ऑड्स अगेंस्ट ऑड्स अगेंस्ट माने हम आपन कहली अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल दिया है आपन को केते दिया है 2:1 तले प्रोबेबिलिटी केते हो ए केस रे प्रोबेबिलिटी हो फेवरेबल बाय टोटल माने प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग थर्ड टारगेट होची 1/3 केना अनफेवरेबल बाय फेवरेबल ना तो फेवरेबल बाय टोटल होची प्रोबेबिलिटी त माने प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग थर्ड टारगेट होची 1/3 एतिक त आपन क्लियर ले ओके नाउ लेट्स मूव अहेड विथ द क्वेश्चन क्वेश्चन सांगे सांगे सॉल्व हो आपन को बुझौछि बोले टाइम लागो छी हला आपन को गोटोट लाइन बुझौछि बोले टाइम लागो छी हला क्वेश्चन सांगे सांगे सॉल्व हो किछ नै क्वेश्चन हां तबरे कोन कहि छी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एटलीस्ट टू शॉट्स एटलीस्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू शॉट्स हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट टू टारगेट हिट करिवे से फायर करता करू छी तीनटा शॉट फायर करू छी एटलीस्ट दीटा हिट करिवे एटलीस्ट की एटमोस्ट क्वेश्चन के सबले एग्जैक्टली दे कन्वर्ट कर देबे एटलीस्ट टू माने कोन टू हिट करि परिवे और 3 हिट करि परिवे एटलीस्ट माने एटा ना कम से कम 2 हिट करिवे और 3 टा को हिट करिवे दिस इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट राइट ओके तो फर्स्ट एग्जैक्टली 2 शॉट्स टारगेट को हिट करिया में हिट करिया ये बाहर कर दो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 हिट करिवे एग्जैक्टली 2 माने फर्स्ट और सेकंड हिट करि परिवो थर्ड हिट करिवनी हला फर्स्ट और थर्ड हिट करि परिवो सेकंड हिट करिवनी तापरे फर्स्ट हिट करिवनी सेकंड और थर्ड हिट करिवे एटा मु एग्जैक्टली 2 रो प्रोबेबिलिटी बाहर कर देली ठीक अछि माने फर्स्ट केस हे पारिबो और सेकंड केस और थर्ड केस प्रथम केस कोन प्रथम केस होची फर्स्ट और सेकंड शॉट टारगेट को हिट करिवे थर्ड हिट करिवनी जोटा मु एई केस रे आपण डिफाइन करली दिस और माने एडिशन होबो हला और फर्स्ट और थर्ड हिट करिवे सेकंड हिट करिवनी केना एग्जैक्टली 2 आमे बाहर कोछ ना तापर थर्ड केस कोन थर्ड केस होची फर्स्ट हिट करिवनी सेकंड और थर्ड हिट करिवे ठीक अछि ओके ताले हमें यार करेस्पोंडिंग केसेस लिखि दवा मु एट लिखु छी 2+3 आंसर कर छी 2 माने हो छी एग्जैक्टली 2 3 माने हो छी एग्जैक्टली 3 ओके फर्स्ट हमें 2 रो करेस्पोंडिंग केसेस लिखिया जोटा अपन मु कहली एही केसटा फर्स्ट मु लिखु छी हला माने फर्स्ट और सेकंड हिट करिवे थर्ड हिट करिवनी हला ताले कोन फर्स्ट हिट करियार प्रोबेबिलिटी हो छी 2/3 एंड सेकंड हिट करिवो एंड थर्ड हिट करिवनी थर्ड हिट करिवार प्रोबेबिलिटी होची 1/3 ताले थर्ड हिट न करिया प्रोबेबिलिटी केते हेतिबो 2/3 आपन क्लियर होची त ओके दिस इज द वन केस और आम एई केस चेक करिया हला एग्जैक्टली 2 कथा कोचे ना और सेकंड केस कोन
फर्स्ट हिट कर थर्ड हिट कर सेकेंड हिट करनी राइट ताल फर्स्ट हिट कर प्रोबाबिलिटी के 2/3 सेकेंड हिट न कर प्रोबाबिलिटी के हिट कर प्रोबाबिलिटी हूँ 3/4 सेकेंड हिट न कर प्रोबाबिलिटी के 1/4 राइट इनटू थर्ड हिट कर 1/3 फाइन क्लियर तापर थर्ड केस दिस केस फर्स्ट हिट करनी सेकेंड आउ थर्ड हिट करेंगे फर्स्ट हिट कर प्रोबाबिलिटी हूँ 2/3 ताल हिट न कर प्रोबाबिलिटी के न कर प्रोबाबिलिटी हूँ आप 1/3 राइट सेकेंड हिट कर थर्ड हिट कर सेकेंड हिट कर प्रोबाबिलिटी 3/4 थर्ड हिट कर 1/3 राइट यहाँ आम एक्जाक्टली टूर तीन टा जाक केस लिखीदे फाइन अबिका एक्जाक्टली थ्री लिखा एक्जाक्ट थ्री मैंने तीन टाइम हिट करते राइट तादर तो किसी चेंज करें नॉट हिट केस आसी ना तापर प्लस ऊपर लिख दूसरे ये प्लस फर्स्ट हिट कर 2/3 इंटु सेकेंड हिट कर 3/4 आउ थर्ड हिट कर इंटु 1/3 राइट इंटु 1/3 राइट अबिका सल्व करते आप आंसर पड़े आसो ठीक अच्छे सल्व कर दूसरी मुझे ऊपर इरेज कर दूसरी इरेज करना आंसर बाहर कर ना आप कहते आंसर आंसर बाहर कले आप आंसर टाइम बाहर कर दूसरी आप है खाली सल्व जिन सारे अब यह खाली जस्ट तार आंसर टाइम बाहर करिया राइट ओके आंसर टा बाहर करदे सल्व करूँ है फर्स्ट ब्राकेट टा सल्व करिया फर्स्ट 3 3 तो कैनसल हो टू रेटा खाली टू है आउ टू टू कैनसल होगा तमाने फर्स्ट ब्राकेट रु आम आसला 1/3 प्लस सेकेंड ब्राकेट सल्व करूँ सेकेंड ब्राकेट टू रे 4 कैनसल हो 2 तमाने 3 2 2 मैंने 1/18 आसला सेकेंड ब्राकेट रु थर्ड ब्राकेट चेक करूँ 3 रे 3 कैनसल है 1/3 आउ 1/4 मैंने 1/12 आसला थर्ड ब्राकेट रु प्लस यहाँ अबिका चेक करिया 3 3 कैनसल है तार 2 रे 4 कैनसल हो 2 तमाने 1/6 आसला अबिका सल्व कर दिखाँ एक एलसीएम के 36 हो एलसीएम 36 है सल्व करदे 36 हेल्ले 3 रे गले के 12 प्लस 18 रे गले दिस इज 2 प्लस 12 रे गले दिस इज 3 प्लस 6 रे गले दिस 6 के 12 + 2 14 14 + 3 17 17 + 6 हूँ 23/36 इज द आंसर ऑप्शन नंबर 5 ओके सो आई होप इट इज क्लियर है बहुत लर्निंग है क्वेश्चन सॉल्व हो बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करे 40 सेकंड्स लगे 40 सेकंड से क्वेश्चन सॉल्व हो 30 to 40 सेकंड्स बट कॉन्सेप्ट बुझे को टाइम लगे क्या आप गोटे जिन बुझे पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट ठीक है यही भाई क्वेश्चन से कमी अटेम्प्ट निया हो राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिया वीडियोटा पॉज करंतु ट्राई करंतु निजे सॉल्व करिया को देन एक्सप्लेनेशन चेक करियो मोर ठीक है बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन रो बहुत ही इनडेप्थ यूसेज ऑल्दो मु आपनको बहुत डिटेल रे बुझेबी बट जदि आपनको कांसेप्ट जान आछ एटा बहुत सिंपल आपन सॉल्व कर देबे 3 पर्संस ए बी सी आर टू स्पीक एट अ फंक्शन अलोंग विथ 4 अदर पर्संस हला इफ दे ऑल स्पीक इन रैंडम ऑर्डर माने किए भी फर्स्ट कथा कह परबो किए भी सेकंड रे किए भी थर्ड रे किए भी फोर्थ रे किए भी फिफ्थ रे किए भी सिक्स्थ रे किए भी सेवंथ रे हला किछि ऑर्डर नाही 17 लोक ठियाइ छथि 17 लोकन भितरु किए भी फर्स्ट कथा कह परबो 7 जन भितरे 7 जन भितरे किए भी फर्स्ट कथा कह परबो किए भी सेकंड रे कथा कह परबो किए भी थर्ड रे कथा कह परबो किछि ऑर्डर फिक्स नाही कि किए फर्स्ट कथा कहबो गोटे अर्डर किसी फिक्स ना कि ये प्रथम कथा कह ये सेकंड रे कथा कह ये थर्ड रे एमती ना कि तो जी भी कथा कह पार फर्स्ट सेकंड थर्ड दिस इज द मीनिंग ऑफ रैंडम अर्डर है जदि एति की बुझे जी आप बुझीपारे रैंडम अर्डर कथा मतलब क्या कथ सतटा लोक ठिया P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 इफ दे क्या स्पीक इन एनी रैंडम अर्डर तेतटा अर्डर से कथा कही पारे इन हाउ मेनि वेज दे क्या टक् जदि क्वेश्चन आपको इफ दे ऑल स्पीक इन रैंडम ऑर्डर जदि रैंडम ऑर्डर रे से माने कथा कही पारे तो कितना वे माने कथा कही पारे इन हाउ मेनी वेज टोटल वेज केते हबो जदि आपन बुझी पारले मते आंसर करंतु एटा केते हबो टोटल वेज हबो 7 फैक्टोरियल काहे कि 7 फैक्टोरियल बिकॉज़ 7 पीपल कैन बी अरेंज्ड इन 7 फैक्टोरियल वेज एंड एवरी अरेंजमेंट करेस्पोंड्स टू वन वे ऑफ स्पीकिंग ता माने ये जो P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 मुझे लिखिली ता माने आप भावंतु कि प्रथम पी कथा हम तापर P2 कथा हम तापर P3 कथा हम तापर P4 तापर P5 तापर P6 तापर P7 एटा गोटे वे ऑफ टॉकिंग एमिती एमिती भी तो हो पार P2 फर्स्ट कथा हम तापर
P1 को थाब तापरे P3 को थाब तापरे P5 को थाब तापरे P6 को थाब तापरे P7 को थाब तापरे P4 को थाब ठीक अछि दिस इज अनदर वे ऑफ टॉकिंग इट प्रथम B2 को थाला तापरे P1 को थाला तापरे P3 को थाला तापरे P5 को थाला तापरे P6 तापरे P7 तापरे P4 राइट एमिति केतेटा ऑर्डर हे परिबो टोटल नंबर ऑफ वेज केते दैट इज दैट करेस्पोंड्स टू नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 7 पीपल हला दैट इज 7 फैक्टोरियल एति त आपन जानाथि राइट आपन मुझे इनसा क्लियर हला ओके हम इट दीटा मेथड चेक करिए जे ओके तो 3 पीपल ए बी सी आर टू स्पीक एट अ फंक्शन इन अलोंग विद 4 दे स्पीक इन इफ ऑल ऑफ देम स्पीक इन रैंडम ऑर्डर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स बिफोर बी बी स्पीक्स बिफोर सी ओके ठीक अछि आपणकर जे आंसर आछि ताले तो बहुत भलो कथा नहले नै आपण चेक करिवे ओके तीनटा लोक अछंती ए माने तीन जण ए बी सी आ चार जण लोक अछंती अदर 4 टोटल केते लोक अछंती सातटा लोक अछंती सातटा भितरु मु तीन जण सिलेक्ट करिवि हला तीन जण मु केतरा वे सिलेक्ट करि परिवि इन 7c3 वेस सातटा भितरु टा लोक सिलेक्ट करिवि अबिका सिलेक्ट कला परे तांको अरेंज करिवार वे होछ गोटे कोन ए स्पीक्स बिफोर बी बी स्पीक्स बिफोर सी सो वन वे ऑफ अरेंजिंग अरेंज मु करि परिमि नि छटा वे रे माने बेसिकली या कहूची तीनटा लोक जे अछंती ए बी सी प्रथमे ए कथा कहिबो तापरे बी कहिबो तापरे सी कहिबो एमिति हेई पारिबोनी कि प्रथमे बी कहिबो तापरे ए कहिबो तापरे सी कहिबो दिस इज नॉट द फेवरेबल दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड कंडीशन हम कंडीशन होची ए कहिबो तापरे बी तापरे सी हला तो बट तीनटा लोक जो अछंती दे कैन बी अरेंज्ड इन 6 वेज तीनटा हम जानि छंती ए बी सी हे पारिबो और बी ए सी हे पारिबो और सी ए बी हे पारिबो और ए सी बी हे पारिबो और बी सी ए हे पारिबो और CBA हे परियो ए छोटा वे हे परियो और यू कैन से तीनटा लोकन को अरेंज करियार वे केते लेट्स गोट बॉक्स अछि अपन जानथि परमिटेशन कमिशन बॉक्स का दरकार नै बट बुझाय कहि दउ छी तीनटा लोक अछि एबीसी प्रथम बॉक्स रे तीन जण को भीतर के बेस परियो इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज एडि बी एस परियो ए एस परियो सी एस परियो 3 वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट बॉक्स एटि जणे पळे आस लेट्स से बी पळे आसला सेकंड बॉक्स पई केटा चॉइस अछि दीटा चॉइस अछि एटि आइदर ए एस परियो सी एस परियो तापर थर्ड बॉक्स पई ओबवियसली एट जे सी आसला ताले एठी ए आसे बाध्य तो 3 × 2 × 1 दैट इज 6 तो छटा वे रे लोक अरेंज हे परिवे एंड एवरी अरेंजमेंट करेस्पोंड्स टू वन पर्टिकुलर वे ऑफ टॉकिंग माने बेसिकली ए जो केस टा हला एटा कोन एठी ए प्रथमे कथा कहूची बी तापर सी तापर हला बी ए सी माने कोन बी ए सी रो माने टा होची प्रथम बी कथा कहूची तापर ए तापर सी सी ए बी रो माने कोन प्रथमे सी कथा कहूची तापर ए तापर बी बट हमकू को ऑर्डर दरकार हमकू दरकार ए बिफोर बी बी बिफोर सी माने ए ऑर्डर प्रथम ए तापर बी तापर सी हला मु सातरा भी तो तीनटा लोक सिलेक्ट कली लेट्स से ए बी सी तीनटा लोक सिलेक्ट हेले तापर तांकु अरेंज करिवार वे होची गोटे एनसीआर एनसीआर जो 7c3 सातरा भी तो तीनटा लोक सिलेक्शन करिवार वे होची एनसीआर केमिकल तीनटा लोक सिलेक्ट कर देले तांकु अरेंज हमें करना हंदी एनसीआर डज नॉट डिटरमाइन अरेंजमेंट एनसीआर ओनली डिटरमाइन सिलेक्शन सातटा भितर तीनटा लोक को सिलेक्ट कर देली हला तांको ऑर्डर डिसाइड करा हैनी अबिका सिलेक्ट कर देली तबले मु तांको गुट्टी वे अरेंज करबे दैट इज ए बी सी ए वे रे मु अरेंज कर परिबी ठीक अछि एठी मते 6 मल्टीप्लाई करियार नै 6 मल्टीप्लाई करले मु सब अरेंजमेंट कंसीडर कर देली बट मते सब अरेंजमेंट दरकार नै मते गुट्टे पर्टिकुलर अरेंजमेंट दरकार व्हिच इज ए बी सी हे पे मु इनटू कली 1 आई हैव ओवर एक्सप्लेनड आई होप अपन क्लियर होची जिनस परमुटेशन कॉम्बिनेशन रो बहुत डिटेल्ड एप्लीकेशन हुए प्रोबेबिलिटी रे हला बट अपन बुझे तो देली इनटू 1 कली हला तो ए बी सी रो वी हैव टेकन केयर ऑफ दिस कंडीशन ए स्पीक्स बिफोर बी बी स्पीक्स बिफोर सी सो 7c3 इनटू 1 कली ठीक अछि इनटू ए बी सी का अरेंजमेंट हे गला अबिका बाकी जो चार जन मंचरे दे कैन स्पीक इन एनी रैंडम ऑर्डर तांका में किछ ऑर्डर डिफाइन करा हे सो दे कैन स्पीक इन 4 फैक्टोरियल वेज ठीक अछि दिस इज द फेवरेबल वेज टोटल नंबर ऑफ वेज केते 7 फैक्टोरियल बिकॉज़ 7 पीपल कैन स्पीक इन 7 फैक्टोरियल वेज हला ये देला अबिका एटा को हम सॉल्व कर दो जे नले आपन कहबे सर आंसर बाहर कर लेनी मु आंसर बाहर कर दो जे आपन में गोटे सेकंड लेट मी इरेज दिस क्लियर हो जाय नै मते वीडियो रे आपन कमेंट करियो नले मु पढेबे आपन मुझे टॉपिक गडा बहुत भल रे परमुटेशन जे दरकार परमुटेशन कॉम्बिनेशन सर मते कमेंट करियो मु पढे देबे हला एटा बहुत बहुत फंडामेंटल टॉपिक ता बहुत कांसेप्चुअल टॉपिक ता ओके देखो ये सॉल्व कैसे करिया 7c3 इनटू 1 आउ 4 फैक्टोरियल अछि हला डिवाइड बाय 1 त लिखिया दरकार नै हम काहे लिखु छी ओके
सेवेन फैक्टोरियल टा को अपन लिख परिबे 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल राइट 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गला हला अब भी क्या आई कैन राइट दिस इक्वल टू 7C3 को मैं लिख परिबे अपन टिक्के जान छन परमुटेशन कॉम्बिनेशन 7C3 को आई कैन राइट 7 × 6 × 5 / 3 × 2 × 1 / एटा कौन अच्छी केते 7 × 6 × 5 एटा आगुरु थिला अभी का एटा एटा कैंसिल हो जीवो ताले बंचला केते 1/3 × 2 × 1 दैट इज 1/6 सो ऑप्शन बी इज योर आंसर ठीक अच्छे ये होची फर्स्ट वे दिस इज मेथड नंबर 1 दिस इज योर मेथड 1 मेथड 2 भी कह दो छी मेथड 2 भी आपन कह दो छी One second, let me erase this. Method 2 टा कौन? ये क्वेश्चन हम टाइम नोजी कहना these are very fundamental questions of permutation combination. अपन को ये सब क्वेश्चन जान ले अपना permutation combination topic clear ही जो चला. और ये सब कौन ना को paid class ही पढ़ान देनी. हमें इसमें तो detail रे पढ़ो चे. देखो तो कौन है ला? 17 लोगों अच्छा नहीं. 17 लोगों can be arranged in 7 factorial ways. 7 factorial. But मत्ते दरकार गोटे तीनटा लोकंकर गोटे पर्टिकुलर से 17 भितरु तीनटा लोकंकर गोटे पर्टिकुलर ऑर्डर दरकार ए बी सी ई जो 7 फैक्टोरियल हे तिवो ता धरे कोन लेट्स से लोक जो अछंती ए बी सी डी ई एफ जी 7 लोक हे गेले 17 लोक हे गेले ठीक अछि अभी का 17 लोक कैन बी अरेंज इन 7 फैक्टोरियल वेज बट हमको दरकार ए बिफोर बी बी बिफोर सी ठीक अछि मत्ते दरकार कोन ए जो 7 फैक्टोरियल भितरु ए बी सी केते वे अरेंज हेतिबे ए बी सी अरेंज हेतिबे 6टा वे रे आपन देखै दि 6टा वे कोन हेतला 6टा भितरु मत्ते दरकार गोटे पर्टिकुलर वे माने 1 आउट ऑफ दैट 6th एमिति कोन 17 लोक अरेंज हेतिबे 7 फैक्टोरियल वे रे प्रति अरेंजमेंट रु करेस्पोंडिंग मो दरकार 1/6th आपन क्लियर हो टिकट डिफिकल्ट लागि पारे टॉपिक ता आपन पढना देबे जाय मोटु परमुटेशन कॉम्बिनेशन रो सो प्रति अरेंजमेंट रो 1/6 मत नवा पड़ो कहीं ना ए बी सी कैन बी अरेंज इन 6 वेज ता भितर मते दरकार खाली एटा ए बी सी एई पर्टिकुलर ऑर्डर दरकार मते दरकार नहीं बी ए सी हला ए बी सी कैन बी अरेंज इन 6 वेज हला ए जो 17 लोक अरेंज हेतिबे ता भितर कोन प्रति अरेंजमेंट करेस्पोंडिंग मत दरकार 1/6 सो आई विल से फेवरेबल वेज आर 7 फैक्टोरियल बाय 6 होल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज आर 7 फैक्टोरियल सो सिंपली 7 फैक्टर कैंसिल हो जियो तो बचियो केते 1/6 सो दिस इज ऑप्शन बी एटा बुझि आते जदी बुझ पारलेन त छाडा दुटा एटा दिस एक मेथड टुटा बुझि पारलेनी ठीक है जे आपण पढीथिबे टॉपिक भल रे आगरु हला ठीक है स्मार्टली पढथियो ताले आपण बुझ परियो नहले एटा स्किप करंतु मेथड 1 रे आपण बुझ पारथिबे दैट इज गुड एनफ ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिया लेट्स से एटा कोन कहिछि क्वेश्चन नंबर 3 6 ऑब्जेक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली अमंग 6 पर्संस 6टा पर्सन रे 6टा ऑब्जेक्ट ओके गोटे काम करुच्छे ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन को मार्क कर दूची लेट्स से दिस इज पर्सन 1 दिस इज पर्सन 2 दिस इज पर्सन 3 दिस इज पर्सन 4 पर्सन 5 पर्सन 6 एटा होची ऑब्जेक्ट 1 एटा होची ऑब्जेक्ट 2 एटा होची ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट 4 ऑब्जेक्ट 5 ता ऑब्जेक्ट 6 ओके सो अभी गोटे जिनस कोन the probability that at least one of them will not get anything mane gotte loko kichhi paiboni if 6 objects are distributed at random among 6 persons 6ta object ko randomly 6ta lokon bhitar discuss kara distribute kara hala probability that at least one of them will not get anything at least one mane jane na pai pare 3 jana na pai paran 3 jana na pai paranti 4 jana na pai paranti hala to ye jinso to basically 5 jana na pai paranti na so gotte jinso mat kuantu kemiti ta solve kariya First of all, in how many ways I can distribute 6 object to 6 persons? Total number of ways kete? Total ways kemti bahar kariya? Total ways ta hobo first object dekham tu. First object ta kono? First person ku jai paribo, second ku jai paribo, third ku jai paribo, fourth ku jai paribo, fifth ku jai paribo, sixth ku jai paribo. Hala? To first object pai ketra ways achi? 6 ta way achi. Pratham object pai 6 ways are there. Likewise, second object pai bhi 6 ta way achi. Hala? सेकेंड वे एटा याकु जाई परिवो ताकु जाई परिवो सम बेसिकली सेकेंड ऑब्जेक्ट पई भी छोटा होय अछि कहिना एठी रिपीटेशन अलाउ अछि
एमती ना कि जदि गोटे लोक को गोटे ऑब्जेक्ट मिल गला ताको सेकंड ऑब्जेक्ट मिल परिवनी एमती किसी रेस्ट्रिक्शन अछि कि रेस्ट्रिक्शन नै तो गोटे लोक को सब ऑब्जेक्ट भी मिल परिवो ठीक अछि। सो सेकंड पई भी 6टा होय अछि, थर्ड पई भी 6टा होय अछि, थर्ड ऑब्जेक्ट कैन गो टू एनी ऑफ द 6 पर्संस, फोर्थ ऑब्जेक्ट पई भी 6टा होय अछि, फिफ्थ पई भी 6टा होय अछि, सिक्स्थ पई भी 6टा होय अछि। टोटल केतरा होय अछि, टोटल नंबर ऑफ वेज होछि 6 टू द पावर 6, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 6 ऑब्जेक्ट्स टू 6 पर्संस हला। बेसिकली एटा केमि शॉर्टकट ऑफ शॉर्टकट जानिबे, शॉर्टकट कोन वेयर टू द पावर व्हाट हला, वेयर टू द पावर व्हाट माने वेयर माने कहा तक जाउची, पर्सन को पक जाउची, पर्सन केतला 6टा आछंती, व्हाट व्हाट माने ऑब्जेक्ट जाउची, केतला ऑब्जेक्ट होची 6टा। सो डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रो फार्मूला होची वेयर टू द पावर व्हाट, माने वेयर होची पर्सन, व्हाट होची ऑब्जेक्ट राइट, एटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन रो। 6 टू द पावर 6 होची टोटल नंबर ऑफ वेज, अगर फेवरेबल वेज बाहर करिया favorable ways kon if 6 6 object are distributed randomly to 6 persons the probability that at least one of them will not get anything at least jone kichhi paibani ta mane kon total ru jodi minus kar debi when each one of them gets one object mane kon mu kahuji jodi total ru total number of ways ru mu kon minus kar debi when each one of them mane person 1 person 2 person 3 person 4 person 5 person 6 when each one of them gets only one object heta minus kar dele kon bahar jibo cases jouti at least one kichi paibani right heta kemiti ame kariya each one gets one object kon hoi paribo jo 6 jana achanti o1 to o6 I can arrange them in how many ways 6 factorial ways sabu arrangement ra corresponding gote distribution asjo बुझ पर जने नहीं एटा होची गोटे वे ऑफ अरेंजिंग जोठी o1 o2 o3 o4 o5 o6 छ जना लोकन को ठिया कर देली तांका अगर 6टा ऑब्जेक्ट को अरेंज कर देली दैट करेस्पोंड्स टू वन वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एठी पर्सन 1 को ऑब्जेक्ट 1 मिलला, पर्सन 2 को ऑब्जेक्ट 2 मिलला, पर्सन 3 को ऑब्जेक्ट 3 मिलला, सेमिति सेकंड वे भी तो हे परिवो जोठी o2 आको पळे आसीबो, o1 एठी पळे आसीबो, o3 ता जागा जागा थिवो, o4 ता जागा थिवो, o5 ता जागा थिवो चलला। एटा होची सेकंड वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चलला। तो बेसिकली को जण को फिक्स रखिबे, पर्सन को फिक्स रखिबे, ऑब्जेक्ट को अरेंज कर देबी कि ऑब्जेक्ट को फिक्स रखी पर्सन को अरेंज कर देबी हला। तो एवरी अरेंजमेंट विल करेस्पोंड टू वन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक अछि। तो हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, 6 फैक्टोरियल वे रे हमें ऑब्जेक्ट को अरेंज कर परिया, तो दैट करेस्पोंड्स टू 6 फैक्टोरियल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ठीक अछि। सो माइनस कर देबी 6 फैक्टोरियल, माइनस को कहली टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन ईच वन ऑफ देम गेट्स वन ऑब्जेक्ट, माइनस कर देले कोन बाहर जीवो, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट गेट एनीथिंग क्लियर। एटा होची सो टोटल नोट फेवरेबल टा होची 6 टू द पावर 6 माइनस 6 फैक्टोरियल ठीक अछि। तो प्रोबेबिलिटी केन बाहर करिए, प्रोबेबिलिटी होची फेवरेबल बाय टोटल, लेट मी जस्ट इरेज दिस, प्रोबेबिलिटी होची फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल टा केते 6 टू द पावर 6 माइनस 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 टू द पावर 6 राइट। सो ऑप्शन सी इज द आंसर फाइन। क्वेश्चन कौन कही देर आर 4 वॉल्यूम्स ऑफ अ डिक्शनरी अमंग 40 बुक्स अरेंज्ड ऑन अ सेल्फ, गोटे सेल्फ रे 40 बुक्स अरेंज में रखा है ओके इन अ रैंडम ऑर्डर, इफ द वॉल्यूम्स आर नॉट नेसेसरीली केप्ट साइड बाय साइड द प्रोबेबिलिटी दैट दे अकर इन इनक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओके माने लेफ्ट रे थिबो वॉल्यूम 1 तापर वॉल्यूम 2 तापरे वॉल्यूम 3 तापरे वॉल्यूम 4 ए टाइप रे थिवो, चारटा डिक्शनरी अछि, चारटा डिक्शनरी रे चारटा वॉल्यूम्स अछि है ना। तो एही ऑर्डर रखाइ थिवो शेल्फ रे, ता माने नै कि या भितरे बही बही नथिवो, एमिति कहोनी कि एक सांगे रहिया दरकार, या भितरे बही रहि पारे, या भितरे किछ किछ ना किछ बुक्स रहि पारे ठीक अछि, एक सांगे भी रहि पारे, ता भितरे बही भी रहि पारे हला ओके। बुझि पारले अपन क्वेश्चन, एक एही टाइप रो क्वेश्चन हम ऑलरेडी करिसें, तो केमिति करिया एटा, बेसिकली फेवरेबल बाय टोटल दिस इज द प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल केसेस कौन, जो शेल्फ रे रखा है नी, शेल्फ रे बही अरेंज करा है जी, ता माने मतलब जिंस को कहंतु 40टा बही को रखिया पई शेल्फ रे 40टा जगह दरकार, फर्स्ट प्लेस मु प्लेस कथा कहू छी, शेल्फ रे प्लेस कथा कहू छी, बुक्स विषय कथा कोनी, 40टा जगह दरकार 40टा बुक रखिया को हला, 40टा जगह भितरु मु 4टा जगह सिलेक्ट करबी इन 40 सी 4 वेज। एटा कोन करिमु 40 सी 4 रे मु कोन करली, 40 सी 4 रे मु प्लेसेस सिलेक्ट करू छी,
ए जो चारटा डिक्शनरी वॉल्यूम रखा प्लेस सिलेक्ट करुच्छे सेल्फ रहा क्या सेल्फ रे प्लेस तो बहुत रही मुझे चार्टा प्लेस सिलेक्ट कली बुक रखा ठीक अच्छे ये चार्टा प्लेस रे चार्टा वॉल्यूम्स गोटी ऑर्डर रही रही पार भि ओन भि टू भि थ्री भि फोर यही ऑर्डर रही रही पार इंटू वन करी कहीं चार्टा जिनस कैन बी अरेंज्ड इन फोर फैक्टोरियल वेज चार्टा जिनस को फोर फैक्टोरियल वे अरेंज कर पारा कि फोर सी फोर इंटू फोर फैक्टोरियल आम करानी भूल होगा कहीं कौ भी अर्डर में कहनी आप गोटे अर्डर कही तो आप सिलेक्ट करदे सिलेक्ट कला अरेंज कर वे हूँ गोटे कौन कौ वे भि ओन भि टू भि थ्री भि फोर यही गोटे वे अरेंज करह फोर फैक्टोरियल वे चार्टा जिनस को अरेंज कर मैंने भि ओन भि टू भि थ्री भि फोर भि टू भि ओन भि थ्री भि फोर है एमती करना चबिशा वे हम चार्टा जिन अरेज कर बट आमको दरकार गोटे पर्टिकुलर वे है भि ओन भि टू भि थ्री भि फोर ये फोर फोर्टी सी फोर इंटू वन कली है बाकी पहुंचा छत्तीसटा बुक से छत्तीसटा जगार रही तो दैट कैन भी अरेज इन सिक्स थर्टी सिक्स फैक्टोरियल वेज है कौटा कौटी भी रही पार इंटू थर्टी सिक्स फैक्टोरियल गला एटा फेवरेबल वेज आ बाकी चालीसटा जगह चालीसटा जगह चालीसटा बुक रखा दैट कैन भी अरेज इन फोर्टी फैक्टोरियल वेज अगर सिंप्लीफाई करते आंसर आज सिंप्लीफाई कर दिखाँ फोर्टी फैक्टोरियल थर्टी सिक्स फैक्टोरियल मैंने ये तले कौन रही दिस इज बेसिकली आई कैन रईट फोर्टी फैक्टोरियल को आई कैन कौन रईट आई कैन रईट फोर्टी इंटू थर्टी नाइन इंटू थर्टी एट इंटू थर्टी सेवेन इंटू थर्टी सिक्स फैक्टोरियल थर्टी सिक्स फैक्टोरियल थर्टी सिक्स फैक्टोरियल कैनसल हो क्लीयर हो सब इरेज करदे थर्टी सिक्स फैक्टोरियल कैनसल होगा कैलकुलेशन तो निजे निजे कर कैनसल होगा तो आम बचा कौन फोर्टी थर्टी नाइन थर्टी एट थर्टी सेवेन रईट थर्टी सिक्स तो कैनसल होगा अबिका सल्व करूँ इक्वाल टू फोर्टी सी फोर मैंने उपरे कौन रही है फोर्टी इंटू थर्टी नाइन इंटू थर्टी एट इंटू थर्टी सेवेन डिवाइड बाय फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन फोर्टी सी फोर को लिखुच मुझे डिवाइड बाय फोर्टी इंटू थर्टी नाइन इंटू थर्टी एट इंटू थर्टी सेवेन रईट कैनसल कर दिखाँ गोटा तो कौन बचा दैट इज इक्वाल टू वन बाय फोर थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर वन बाय ट्वेंटी फोर फाइन आंसर हो चुके थे वन बाय ट्वेंटी फोर ऑप्शन है क्लियर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव इफ यू ड्रॉ फोर कार्ड्स एट रैंडम वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बी ऑफ डिफरेंट सूट एज वेल एज डिफरेंट डिनोमिनेशन ओके मु फर्स्ट कार्ड विषय कह दूँ तापर हम क्वेश्चन डिस्कस करिया टोटल अछंती हमर 52 कार्ड्स 52 टोटल कार्ड्स अछंती ताको चारटा पार्ट डिवाइड करा है एटा कॉपी ले लिखन तो मु ता डिलीट कर देबी तापर हम क्वेश्चन सॉल्व करिया चारटा पार्ट डिवाइड करा है दियो हला गोटे होची आपनकर चारटा पार्ट माने चारटा सूट हला चारटा सूट से डिवाइड करा है 52 कार्ड्स गोटे होची डायमंड सूट आ गोटे होची हार्ट सूट एच ई आर टी हार्ट सूट आ गोटे होची क्लब सूट आ गोटे होची स्पेड सूट 52 कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू फोर सूट्स प्रति सूट रना कोन गोटे सूट होची डायमंड सूट आ गोटे हार्ट सूट आ गोटे क्लब सूट आ गोटे फेड स्पेड सूट डायमंड सूट रो कलर होची रेड हला हार्ट सूट रो भी कलर होची रेड क्लब रो कलर होची ब्लैक स्पेड रो कलर भी ब्लैक ठीक अछि प्रति सूट रो 13टा कार्ड हला एटा रो भी 13टा कार्ड एटार भी 13टा कार्ड एटार भी 13टा कार्ड एटार भी 13टा कार्ड त माने 13 फोर जा 52 ठीक अछि प्रति सूट रो 13 13 कार्ड्स अभी का एटा डिवाइड केमति हेतियो 13टा कार्ड देखन तो डिवाइड हेतियो एमति 13 कार्ड्स जो थिबो सबुटा 13 कार्ड्स डिवाइड हेतियो गोटे थिबो किंग आ गोटे थिबो क्वीन आ गोटे थिबो जैक ठीक अछि आ बाकी थिबे 10टा सॉरी बाकी दसटा आमर दसटा हूँ कौन दसटा हूँ आप कार्ड मानने दसटा हूँ नंबर दसटा हूँ नंबर कार्ड्स मान दसटा जो थे यहाँ हूँ नंबर कार्ड मान वन टू थ्री अप टू नंबर टेन एक रु दस जाए थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन एक रु दस जाए थे नंबर कार्ड्स भितर एक नंबर टाक आम कहती एस इक्का जो कहते एस है एस कहते बाकी किंग क्वीन जैक तेरटा होगा एक रु दस एगार बार तेर रईट सो आउ बेसिकली आउ गए जिन मन रखिए ये किंग क्वीन जैक को कहते फेस कार्ड्स
এটাও কহন্তি ফেস কার্ডস আর বাকি যে 10টা আছে তাকে কহন্তি নন ফেস কার্ডস ঠিক আছে সবুঠি এমতি ডিভাইড হইতিও হলা যেমতি আমার ডায়মন্ড স্যুট রে আমি ডিভাইড করলে সবুঠি 13টা এইভাবে ডিভাইড হইতিও 13টা ডিভাইড হইতিও এইভাবে হলা কিং কুইন জ্যাক আর এটি 1 টু 10 8 8 একটা কহন্তি এস এইটি বি সেম জিনিস किंग क्वीन जैक अब बाकी 1 टू 10 एकटा कहंती एस लाइकवाइज एट भी सेम जिनस ठीक अच्छे तो सबुठी किंग क्वीन जैक थी आउ 10टा थी 10टा आम नंबर कार्ड्स है यही 3टा कहंती किंग क्वीन जैक कहंती फेस कार्ड्स आ बाकी 10टा बचे कहंती नॉन फेस कार्ड्स टोटल फेस कार्ड्स केते अछंती टोटल फेस कार्ड्स अछंती हमर केतरा किंग क्वीन जैक 8 रहला 8 भी किंग क्वीन जैक 8 भी किंग क्वीन जैक 8 भी रहबो किंग क्वीन जैक तले टोटल फेस कार्ड्स होचंती 12 टा आउ नॉन फेस कार्ड्स करता नॉन फेस कार्ड्स होचंती 52 माइनस 12 दैट इज 40 राइट एतिक जिंस त क्लियर हला तापरे सूट्स आपण बुझले कोन सूट्स होची एटा गोटे सूट डायमंड सूट हार्ट सूट क्लब सूट स्पेड सूट चारटा सूट डिनोमिनेशन कोन डिनोमिनेशन माने होची नंबर हला ऑफ डिफरेंट नंबर जे तुम लेट्स से मु नोची हार्ट रो हार्ट ये जो हार्ट सूट रो पांच नंबर कार्ड नोच फिफ्थ नंबर कार्ड नोच हार्ट सूट हला ताले मु आउ को सूट रो भी फिफ्थ नंबर कार्ड नहीं परबिनी एटा हो क्वेश्चन मत मतलब अभी का डिलीट करू क्वेश्चन स्टार्ट करिया थाउ डिलीट करनी मु सेमिति कह दो जी हला ना डिलीट करले टिके असुविधा हो फनी एटा फनी आउ थरे बुझाय पडियो हला ओके सो कोन कोन करिया बेसिकली आपन कंडीशन कोन दै छी प्रोबेबिलिटी हम जान छथि माने फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम्स राइट दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी हला टोटल केसेस तांको जाना आछ चारटा कार्ड पिक करिया विदाउट रिप्लेसमेंट माने फर्स्ट कार्ड पिक करि परिया 52 सेकंड पिक करि परिया इन 51 थर्ड 54 49 केना विदाउट रिप्लेसमेंट कहि छी हला विदाउट माने जेडा बाहर गेला हेडा बाहर गेला गोटे 52 भितर गोटे बाहर करली 51 चॉइसेस बचिरा 51 बाहर गेला परे दीटा बाहर जाई छी 50 चॉइसेस फॉर थर्ड आउ फोर्थ पे 49 चॉइसेस हला एटा विदाउट रिप्लेसमेंट हम बुझतै अभी का इंपोर्टेंट पार्ट हो एटा ये जो फेवरेबल केसेस टा बाहर करिया दिस इज इंपोर्टेंट है ना ओके एटा केन बाहर करिया सी टिके माइंड दो पड़ियो टिके बी केयरफुल फर्स्ट रे लेट्स से मु डायमंड सूट कथा कहू छी लेट्स से मु डायमंड सूट रु फिफ्थ नंबर कार्ड मु फिफ्थ नंबर कार्ड बाहर करी डायमंड सूट रो ठीक अछि प्रथम कार्ड तो बाहर करिया 52 चॉइसेस फर्स्ट कार्ड यू कैन पिक एनी ऑफ द 52 कार्ड्स जो 52 कार्ड हमर अछि ता भितरु को भी 52 कार्ड भितरु गोटे उठार अछि त माने चॉइस मो पाखर अछि 52 टा हला त फर्स्ट कार्ड पे उपाय चॉइस 52 अछि ठीक अछि लेट से जो फर्स्ट कार्ड मो उठेली दैट इज 5 नंबर कार्ड ऑफ डायमंड जो नंबर कार्ड नै मो 5 नंबर कार्ड उठेली डायमंड रो ठीक अछि अब ये कंडीशन कहि छि डिफरेंट सूट एज वेल एज डिफरेंट डिनोमिनेशन माने नेक्स्ट जो कार्ड ता उठेबी सेटा डिफरेंट सूट हेतियो माने डायमंड सूट रे उठे परबिनि कि 5 नंबर कार्ड मो उठे परबिनि दिस इज द कंडीशन ताहले उपाय चॉइस केते बचिला मो पाखरे एटा अछि एटा अछि माने उपाय 39 कार्ड्स अछन्थि सेकंड जो फर्स्ट कार्ड उठेली सेकंड कार्ड उठे पे 39 चॉइसेस अछन्थि 39 टा कार्ड अछन्थि पाखरे बट 39 टा जो कार्ड अछन्थि ता भितरे 5 नंबर कार्ड थिबो यार रेड रो 5 नंबर कार्ड थिबो ब्लैक रो 5 नंबर कार्ड थिबो सॉरी रेड माने हार्ट रो 5 नंबर कार्ड थिबो क्लब रो 5 नंबर थिबो स्पेड रो 5 नंबर कार्ड थिबो बट एटा हम पिक करि परिबिनि राइट त माइनस करबी 3 ता माने सेकंड कार्ड पई उपके 36 चॉइसेस अछि एटा क्लियर हेतियो ओके टीएस को जेडा हला ओके टिके इरेज करू जेडा हां सेकंड कार्ड हम पिक करले हला जो सेकंड कार्ड हम पिक करली मु लेट से मु सेकंड कार्ड पिक करली फर्स्ट करथली 5 नंबर कार्ड ऑफ डायमंड मु सेकंड कार्ड पिक करली हार्ट रो लेट से मु हार्ट रो पिक करली 7 नंबर कार्ड ऑफ हार्ट ठीक अछि एटा मु सेकंड कार्ड पिक करली ठीक अछि जो 36 टा चॉइस थिला ना सेकंड कार्ड पिक करियो मु ता भीतर गोटे कार्ड पिक करी दैट इज 7th कार्ड ऑफ हार्ट ताहले थर्ड नंबर कार्ड पिक करियो बाय चॉइस केते अछि यार 13 यार 13 माने टोटल 26 टा कार्ड अछि बट 26 टा भीतर कंडीशन होछि डिफरेंट सूट डिफरेंट डिनोमिनेशन डिफरेंट सूट त हमे कर देले दीटा सूट उठे देले ना डायमंड उठे देले हार्ट उठे देले ताकु एक्सक्लूड कर देले हमे क्लब और स्पेड असले त सूट कंडीशन टा फुलफिल हेगला बट डिफरेंट फ्रॉम डिनोमिनेशन भी हवा दरकार डिनोमिनेशन भी अलगा हवा दरकार माने वो 5 नंबर कार्ड 7 नंबर कार्ड मु नहीं पारिबिनी माने जो क्लब रो 5 नंबर 7 नंबर कार्ड मु नहीं पारिबिनी
स्पेड रो भी पांच नंबर सात नंबर मुझे नहीं पारि तार चॉइस कितने पहुंचा माइनस फोर छब्बीस माइनस फोर दैट इज बाईस राइट गला ताले लेट्स से मु थर्ड कार्ड जो पिक कली मु पिक कली लेट्स से फोर्थ नंबर कार्ड ऑफ क्लब ठीक अछि फोर्थ नंबर कार्ड पिक कली क्लब रो राइट अबिका मते कोन तो लास्ट कार्ड पिक करियर मु पाके चॉइस केते थिवो लास्ट कार्ड माने एठी मु पाके 13 टा कार्ड अछि 13 कार्ड्स आर देयर 13 भितरे मु नंबर कोन कोन पिक करि परिबिनि फर्स्ट तो डिफरेंट सूट ऑलरेडी कंडीशन इज फुलफिल्ड कहिना आमे क्लब रु कार्ड उठो नांती हार्ट उठो नांती डायमंड उठो नांती आमे ऑलरेडी उठी सारी चंती सेतै एमएस स्पेड उठो चंदी तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कि डिफरेंट स्पुट सूट हेतिओ अबिका डिफरेंट डिनोमिनेशन भी हेतिओ माने 5 नंबर 7 नंबर 4 नंबर कार्ड मु उठै परबिनी ठीक अछि त माने 13 टा कार्ड भितर 3 टा कार्ड को माइनस करबी त माने मो चॉइस होछि 10 ठीक अछि माने 52 * 36 * 22 * 10 राइट त जते अपन बुझि परले ताले मु एट लिखि दो छ अथरे हला दिस इज इक्वल टू लिखी भी कौन चॉइस थर्टी चॉइस राशि ऑप्शन फाइव हो हैला 52 36 22 10 और केमती हला बुझेली डिटेल आई होप आपन क्लियर हेतिबो राइट सो आज पे इति क्वेश्चन रखिए भलो भलो लेवल क्वेश्चन थिला ऑल्दो कम क्वेश्चन करले बट क्वेश्चन लेवल भलो थिला ना आकु पड़े आउ आउ सेकंड क्लास करनल ने आपन मुंडो को बाउंस कर जियो हैला नेक्स्ट क्लास करिया आउ अधिक क्वेश्चन करिया आज पे इति थौ थैंक यू सो मच एंड केमिति लागिला वीडियो डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।